الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران سبحان ربك رب العزه عما يصفون

और शैतान किस तरह मरदूद हुआ पिटकारा गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ से क्या वजह बनी उसकी वजह तकब्बर बनी हसद बना उसने कहा था अन ख़ैर उम्मन ख़ल तनी मन्नार व खल मिन तीन, इस वजह से वो जन्नत से ठुकरा दिया गया धुतकार दिया गया तो अब इसका मतलब ये है कि अ रबुल्ज़त का वो दुश्मन बन गया और इंसानों का भी दुश्मन बन गया अब हम अगर देखें कुरान और हदीस को पढ़ें तो ये नुक्ता सामने आएगा कि ये महीना बख्शिश के लिए बनाया गया इसीलिए इस महीने को शाहरूफ़रान कहते हैं एक देहाती आदमी मेला देखने के लिए गया अल्लाह की शान के वहाँ उसकी जेब लुट गई जेब काटी गई और उसके पैसे वहाँ पर लूट लिए गए अब वो इधर उधर ढूंढता रहा नहीं मिला जब वापस घर आया तो बीवी ने पूछा कि क्या बना मेला कैसा था तो आगे से कहने लगा कि मेला वग़ैरह तो उन्होंने बस वैसे ही नाम दिया हुआ था असल तो मेरी जेब लूटना मकसद था अगर हम इस चीज़ को में आएं और में लेके आए और हदीस मुबारक और कुरान मजीद का मुताला करें तो महसूस होगा बिल्कुल इसी तरह पूरे रमज़ान का फ़लसफ़ा नज़र आता है कि अल्लाह अल्ला रबुल्ज़त ने बंदे को बख्शिश करने के लिए महीना दिया अता फरमाया अब हम देखें तो बख्शिश के तकरीबन बारह बहाने बनते हैं जो ये आजिज़ आप के सामने पेश करेगा बारह बहानों में अजीब मुनासबत भी है साल के बारह महीने हैं और बख्शिश के भी बारह बहाने हैं ताकि बख्शिश के हर बहाने के बदले एक महीने के गुनाह माफ़ कर दिए जाए एक और नुकता समझ लीजिए बख्शिश के बहाने अल्लाह इज़्ज़त ने इसलिए भी बनाए कि रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब व सलाम से वादा फरमाया वी का रबू रब्बुक फतरदा ऐ महबूब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे अपनी ज़ुबान में हम इसका तर्जमा करें तो समझने की खातिर यूँ बनेगा तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि तू बस बस करेगा यानी इतना अल्लाह रब्बुल अल्लाबुल्जत अता फ़रमाएंगे कि नबी आलातम खुश हो जाएंगे फ़तर का मफहम यही है कि इतना देगा बस बस करेगा अल्लाह रब्लत के महबूब आसलातम तो नहीं चाहते थे कि एक भी उम्मत मेरा जहनुम में जाए बल्कि आपकी खुशी और रज़ा इसी में है कियामत के दिन सारी उम्मत की बख्शिश हो जाए तो अल्लाह अल्ला रब्ज़त ने अपने महबूब आलातम को खुश करने के लिए ये बहाने बना दिए पहला बहाना जो है वो ये कि रमज़ान मुबारक जब आता है अल्लाबुज़त हरत जब्राइल अमीन को भेजते हैं कि तुम फरिश्तों के साथ जाओ और सर के को कैद कर लो ताकि मेरे महबूब की उम्मत के रोज़ों को ख़राब ना हो तो सरकस शैकन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंधवा देते हैं होता भी यही है जब किसी का दोस्त किसी से लड़ रहा हो तो उसके दुश्मन के हाथ पकड़वा के उसको मरवाया जाता है क्यों क्योंकि ये मेरा दोस्त है इसकी खातिर मैं इसके हाथ पकड़ूंगा और अब तुम इसके मुंह पे थप्पड़ मारो तो इसी तरह अल्लाह इज़्ज़त ने इन शॉयान बदमाशों को पकड़वा दिया और फिर मोमिन को कहते हैं कि एमोमिनो अब रमजान मुबारक का वक्त आ गया तुम रोजे रखो इबादत करो तरावी पढ़ो नवाफिल पढ़ो क्यों इसके पूरे साल की की कराई मेहनत तुम्हारे चंद लम्हों की दुआ से अल्लाह रबाल ख़त्म फरमा देंगे एमिन रमजान के अलावा बाकी सारे महीने ये तुझे देखता है तो इसे नहीं देख सकता ये बरगलाता है मैं इसका बंदोबस्त कर रहा हूं इसीलिए शैतान के ज़रिए कैद करवा दिया और मोमिन को सुनहरी मौका मिल जाता है कि ऐसे अमाल किए जाएं कि उसके बदले अल्लाह रबुुलज़त की रजा नसीब हो जाए अब अगर शैतान खुला होता तो मालूम नहीं हमारे रोज़े में तरावी में तिलावत में दीगर आमाल में क्या क्या रुकावटें डालता किस किस तरह उसको ख़राब करता तो रबु लज्ज़त ने उसको बंदवा दिया ताकि हम अच्छे तरीके से अमाल कर सकें दूसरा बहाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमाल का अजर और रेट बढ़ा दिया हालांकि पहले ही बहुत अजर देने का वादा फरमाया चुनाचे आम हालात में सवाब का दस्तूर यह है मन जा अबिलहसनति फल अशरु शुरुआम एक नेकी करोगे तो उसके बदले दस अजर मिलेगा और अगर तुम मजीद इखलास के साथ करोगे तो उसने की, की मिसाल है तो हब्बा एक दाने की तरह है जिसने सात बाली निकाली हर बाली में सौ दाने निकले तो सात सौ दाने बन गए यानी एक अमल का बदला सात गुना भी मिलता है और एक ही अमल का बदला इखलास से किया हो तो सात सौ गुना मिलता है और नबी रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन हिसाब और अगर कोई उससे भी इखलास से काम करता है मैं तो बेहिसाब अजर पढ़ाऊंगा अल्लाह की तरफ से पहले ही बहुत वादा हो चुका लेकिन रमजान मुबारक में अजर बढ़ा दिया फरमाया जो बंदा नफल पढ़ेगा उसको फर्ज पढ़ने के बराबर सवाब देंगे दो नफल पढ़े उसको सवाब कितना मिलेगा दो फर्ज पढ़ने का और जो फर्ज पड़ेगा उसको सत्तर गुना ज्यादा सवाब मिलेगा सत्तर फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा एक हदीस मुबारक के मुताबिक जो शख्स सही आदाब के साथ एतकाफ करता है अल्लाह इज्जत दो हज और दो उमरे का सवाब अता फरमाते हैं तो एतकाफ़ पे अल्लाह रबुल्जत ने अजर बढ़ा दिया कि मेरे बंदे का अमल थोड़ा हो मगर उसके नाम अमाल में अजर बहुत सारा रख दिया जाए तो पहला बहाना बनाया कि शैतान को बंधवा दिया दूसरा बहाना ला रबालजर ने बनाया कि अजर का रेट बढ़ा दिया तीसरा बहाना अफतारी के वक्त दुआ का कबूल होना यानी मेरे बंदो जब तुम रोज़ा रखोगे तो इफ्तारी के वक्त हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे अब जरा इसकी हकीकत सुनिए फ़र्ज़ करें घर में बिजली का कोई बल्ब लगाना हो तो हम इलेक्ट्रिशन को लाते हैं पहले हम तय करते हैं कितने पैसे लोगे तय इसलिए करते हैं वो कहीं हमसे ज्यादा ना मांग ले और हम ज्यादा दे नहीं सकते लेकिन जिनके पास माल ज्यादा होता है वो पहले मजदूर से मजदूरी तय नहीं करते उसको कहते हैं कि भाई आ जाओ मेरे घर के अंदर काम है काम कर लो फिर हम तुम्हें दे, दे देंगे खुश कर देंगे तुम्हें और उस बंदे को भी पता होता है कि ये मुझे खुश करेगा वो खामोशी से आता है काम करता है और उसको मालूम होता है कि जो मैं मांगूंगा उससे ज्यादा ही मुझे मिलेगा चुनाचे अब ये कोई छोटी बात नहीं कि अल्लाह इफ्तार के वक्त दुआ कबूल फरमाते हैं अल्लाह इज़्ज़त ने भी रोजे को ऐसे ही बनाया मेरे बंदे तुम पूरा दिन रोजा रखोगे मेरी खुश और रजा के लिए अमल करोगे लिहाजा मैं वो खाली को मालिक हूं अजर पहले से तय नहीं करता बल्कि तुम जितना मांगोगे हम दे देंगे लिहाजा इफ्तारी के वक्त में दुआएं कबूल होती है अब उस वक्त में हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना अल्लाह रबुल इज्जत से मांगते हैं कुछ थोड़ा मांगेंगे कुछ ज्यादा मांगेंगे ये डिपेंड करता है मांगने वाले के ऊपर कि कौन कितने यकीन के साथ कितने इखलास के साथ अल्लाह रबुल इज्जत से मांगेगा और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एन अफ्तारी के वक्त जो दुआ का वक्त होता है उस वक्त में खाने के ऊपर बैठे होते हैं और उनकी नजर खाने पे होती है कोई बड़े गौर से पकौड़े को देख रहा होता है कोई समोसे को देख रहा होता है वो वक्त दुआ मांगने का होता है जैसे ही रोजा खुलेगा जो खाना पड़ा होगा वो तो मिल ही जाएगा तो हमें चाहिए कि हम उस वक्त में दुआ मांगे हमें इस पुख्ता यकीन रखना चाहिए क्यों ना हम इस पर यकीन रखें जबकि हमारा हाल यह है हम किसी को अल्लाह का बड़ा वली बुजुर्ग और नेक समझते हैं वो किसी दिन हमें ये कह दे कि आज कबूलियत दुआ का वक्त है दुआ मांगो दुआ मांगने की कैफियत है तो हमारा क्या हाल होगा रो रो के मांगेंगे आज जो इनक सारी के साथ मांगेंगे कि अल्लाह ये बुजुर्गों ने बता दिया कि ये वक्त कबूलियत दुआ का है तो इस वक्त दुआ मांगनी चाहिए अब सोचिए एक वली के कहने पर हम ऐसी दुआएं मांगे और यहाँ तो वलियों के सरदार सैयदल अवलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोजादार आदमी इफ्तार के वक्त जो दुआ मांगता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी दुआ को कबूल करते हैं लिहाजा में पुख्ता यकीन के साथ खूब रो रो कर टूट टूट कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना चाहिए क्यों क्योंकि उस वक्त की दुआएं कबूल होती हैं सच्ची बात यह है हम पूरे साल जो धक्के खाते हैं लोगों के पास ज़रूरत के लिए जाते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं अगर हम इन तीस दिनों में अफतारी के वक्त दिल से दुआ मांगे और रो रो के मांगे इखलास के साथ मांगें अल्लाह रबुल इज्जत हमारी तमाम परेशानियां हल फरमा देंगे लेकिन अफसोस यह है कि हम ये वाला कीमती वक्त जाया कर देते हैं दूसरे कामों में लगे रहते हैं और अल्लाह इज़्ज़त से इस वक्त मांगते नहीं है एक हदीस मुबारक में मुबारकमे मुस्तजाबा हर दिन और हर रात में अल्लाह इज़्ज़त एक दुआ जरूर कबूल फरमाते हैं तो इस तरह तो हमारे पास साठ ब्लैंक चेक आ गए अब बताइए जिस बंदे को ब्लैंक चेक मिल गया हो साइन कर दिए गए हो, जो लिखना हो उसने लिखना हो तो हम इन चेक्स के ऊपर मक़फ़रत मक़फ़रत क्यों नहीं लिखवा सकते हमारे हाथ में चेक्स मौजूद है अल्लाह रबुल इज़्ज़त ने हमें अता कर दिए अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस पर क्या लिखेंगे और क्या नहीं लिखेंगे तो हमें चाहिए कि हम दिल खोल के मांगे हर चीज मांगे छोटी छोटी, छोटी चीज भी अल्लाह इज़्ज़त से मांगे दुआ है अल्लाह इज़्ज़त हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए एक साहिब थे दुआ मांग रहे थे अल्लाह मुझे इतने करोड़ दे दे इतने करोड़ दे दे किसी ने कहा अल्लाह अगे इतने ज्यादा मांगते हो उसने कहा तुझसे नहीं मांग रहा अल्लाह से मांग रहा हूं क्यों को परेशान होता है और वाकई बात ऐसी है टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है बात रब पे जो छोड़ देता है उसके फजलों करम का क्या कहना लाख मांगो करोड़ देता है लिहाजा हम अपने लिए हिदायत दीन पे इस्तकामत मांगे क्यामत तक आने वाली नस्लों के लिए दुआएँ मांगे नबी अ सरातलम जो अमीन थे काफिर भी कहते थे उनकी जुबान से सच निकलता है उनका सच्चा कलाम है कि अल्लाह रबालत अफतारी के वक्त रोजेदार की दुआ कबूल फरमाते हैं हमारे लिए यही तस्दीक काफ़ी है यकीन से मांगेंगे कबूलियत के आसार अपनी निगाहों से देखेंगे तो हमें चाहिए कि हम अफ्तारी के वक्त खूब रो धो के डट के आजियोजारी के साथ अल्लाह रबुल इज़्ज़त से दुआ मांगे दुआ है अल्लाह इज़्ज़त हमारे रोजों को कबूल फरमाए आज हमने मकफरत के तीन बहाने पढ़े पहला बहाना यह था कि अल्लाह इज़्ज़त शैतान को कैद कर देते हैं दूसरा बहाना यह था कि अल्लाह इज़्ज़त रोजे का अजर बढ़ा देते हैं जितने अमाल हैं उनका अजर बढ़ा देते हैं और तीसरा बहाना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं कबूल फरमाते हैं अफतारी के वक्त जो दुआ होती है वो भी कबूल होती है और मुबारक में एक दिन में और एक रात में दुआ हर हाल में कबूल होती है यानी हमारे पास साठ ब्लैंक चेक हैं अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना इस्तेमाल करते हैं तो आज हमने तीन बहाने पढ़े इंशाल्लाह कल आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ختم خاتقان کر دروشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله برحيف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله في اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دروشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والله ذو فضل على المؤمنين درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون دروشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين امنوا روشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين في اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کر اللقاء سبحان ربي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم रबनाफसन वफ़ीखासरीन परवरदिकारम हमारी नगाहों को पाक फरमा दिलों को साफ़ फरमा अल्ला आसनों को अपनी मुहबत से लबरेज़ फरमा अल्लाह अपने इसके आतिश हमारे सीनों में पैदा फ़रमा अंग अंग से अपने जिक्र को जारी फ़रमा रोए रोए से अपने ज़िक्र को जारी फ़रमा हड्डी हड्डी बोटी वोटी में अपनी महब्बत पैदा फ़रमा एबेकसों के दस्तगीर एक टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले एक खाली झोलियों को भर देने वाले परवरदिगार आलम, हमारे उठे हाथों को कबूल फरमा अल्लाह आप दिलों की तमन्नाएं जानते हैं अल्लाह दिलों के भेद जानते हैं परवरदिगार आलम हमारे दिलों की नेक मुरादों को पूरा फरमा अल्लाह नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा परवरदिगार आलम कौन कहा किस तरह की मुश्किल में है परवरदिगार आलम आप सबसे बेहतर जानने वाले हैं है मेरे मौला तमाम की परेशानियों को दूर फरमा है मेरे मोला जो रिज की वजह से परेशान उनकी परेशानी को दूर फरमा अल्लाह जो औलाद की वजह से परेशान उनकी परेशानी को दूर फरमा अल्लाह जो घर बार की वजह से परेशान उनकी परेशानी को दूर फरमा मौला जो काम कारोबार की वजह से परेशान उनकी भी परेशानियों को दूर फरमा अल्लाह जो मरीज हैं उनको शिफाए का अमला अजल अता फरमा परवरदिगार आलम जो कर्जदार हैं उनके कर्जों की अदायगी की सबील पैदा फरमा मेरे जो औलाद नरीना के तलबगार उनको नेक साल औलाद नरीना फरमा अल्लाह जो उनकी को बरदार बना माँ बाप की आंखों की ठंडक बना अल्लाह औलाद के गमों से महफूज फरमा औलाद के दुखों से महफूज फरमा औलाद की परेशानियों से महफूज फरमा आलम ने एक साल औलाद फरमा अल्लाह औलादों को माँ बाप की आंखों की ठंडक बना परवरदिगार आलम माँ बाप की खिदमत करने की तोफीक अता फरमा है मेरे मोला इज्जतों के बाद ज़िल्लत से महफूज फरमा अल्लाह अपने कुर्ब के बाद दूरी से महफूज फरमा सीधा रास्ता मिलने के बाद भटकने से महफूज फरमा अल्लाह इल्म हासिल होने के बाद जिहालत के कामों से महफूज फरमा है मेरे मौला हिदायत मिलने के बाद गुमराही से महफूज फरमा अल्लाह में इल्लत से महफूज फरमा किल्लत से महफूज फरमा है मेरे मोला जिल्लत से महफूज फरमा पर आलम हला पा की जाये वाफरमा अल्लाह रिज की तंगी से महफूज फरमा रिज की परेशानी से महफूज फरमा है मेरे मोला हाशिदीन के हसर से महफूज फरमा दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा बुरा चाहने वालों की बुराई से महफूज फरमा अल्लाह दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने वालों से भी महफूज फरमा पर महफूज फरमा सिफली अमलों से महफूज फरमा अल्लाह हर किस्म के शरूर फितन से हमारी हिफाजत फरमा है मेरे मोला हमें नेक तकवाख्तियार करने की तोफ़ी ताफ़रमा अल्लाह हमारी जिंदगी को शरीत सुनत के मुताबिक गुजारने की तोफ़ी

तमाम दुनिया की परेशानियों को दूर फरमा अल्लाह इंसानियत की परेशानी को दूर फरमा है मेरे मोला उम्मत मुस्लिमों को इज्जत रफ्तार ताफरमा अल्लाह उम्मत मुस्लिमों को इज्जत रफ्तार ताफरमा परिगार आलम जैसा आप चाहते हैं हमें वैसी जिंदगी गुजारने की तोहफी का फरमा है मेरे मोला आपने हाँ शैतान बदबक को बंधवा दिया अल्लाह रमजान मुबारक का वक्त आ गया है मेरे मोला आपने रिस्क अल्लाह का और आमाल का हम अल्लाह हम अल्ला हमारी सुस्ती और गफलत को दूर फरमा अल्लाह हमें इबादत करने की तोफ़ी त फरमा आमाल करने की तोफ़ीक फरमा, अल्लाह बढ़ बढ़ के नकिया करने की तोफ़ीक आफरमा पर दिगार आलम जैसा आप चाहते हैं हमें वैसा बन के जिंदगी गुजारने की तोफीक अता फरमा है मेरे मोला हमसे राजी हो जा अल्लाह दिल की बहुत हसरत है जब हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त आए मोला पहले हमसे राजी होना फिर हमें मौत अता करना है मेरे मोला पहले हमसे राजी हो जाना फिर हमें मौत अता कर देना है मेरे मोला जो मांगा वो भी अता फरमा जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा अल्लाह दूर बैठे जो लोग इन दुआओं पे आमीन कह रहे हैं अल्लाह उनको भी इन दुआओं में हिस्सा ऐ मेरे मोला हमारे अजीज़ अकारे मशाइ रिश्तेदार जो फोत हो गए उनकी मफफरत फरमा जिनके आपने मफ्रत कर दी कुर्ब के अला तरीन दरवाजा फरमा अल्लाह मदारस की हफ़ात फरमा दावत तबलीग के काम की हिफाजत फरमा जहाँ अल्लाह होती अल्ला है खान खानकों की हिफाजत फरमा इकामत दीन की कोशिशों की हिफाजत फरमा है मेरे मोला हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा अल्लाह वो कितने खुश नसीब लोग होते हैं अहराम पहनते हैं लब्बई कल लब, लब पढ़ते हैं है मेरे मोला तू तेरे घर का तवाफ करता है

अपने घरों के दरवाजे हम पे बंद कर दिए है मेरे मोला हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा अल्लाह अपने घरों के दरवाजे अल्लाह हम सब के ऊपर खुले फरमा अल्लाह बार बार हाजिरी की तोफीक ए मेरे मोला पूरी जिंदगी बार बार कबूलियत वाले और उम्रे करने की अता फरमा अल्लाह हमें मांगना नहीं आता बिन मांगे हमें अताफरमा सल्ला तला हबीबी आलिही व नहमदी अजमीन برحمتك يا ارحم الراحمين